हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास फिर से गणित की कक्षा 8 का अभ्यास 4 सर्व समीकरण। इसमें हम 4C स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसका पार्ट 1 अभी लेकर आ रहे हैं, पार्ट 2 बाद में आएगा। तो चलिए कॉपी पेंसिल लेकर शुरू करते हैं और सीखते हैं कि इसके सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग हम काम कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अब हम 4C अभ्यास को करेंगे और इन सवालों का प्रसार करेंगे। इनको फैलाने के लिए या इसका प्रसार करने के लिए हमें एक सर्व समीकरण की ज़रूरत होगी, जो कि इस तरीके से है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये कैसे फैलेगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, दो की गुणा a में और b में, फिर प्लस 2bc, मतलब दो की गुणा b में और c में, फिर प्लस 2CA, मतलब दो की गुणा C में भी और A में भी। तो बहुत आसान होता है, हमें कुछ करना ही नहीं होता, सिर्फ अपने इस सवाल को अब हमें सर्व समीकरण के थ्रू फैलाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा A जो है ये वाला है, 2B हमारा B है, 3C हमारा C है। तो अब हम क्या करेंगे, A का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2b, पूरा 2b का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस c में हमारा, ये c में हमारा क्या आ रहा है, पूरा 3c आ रहा है, तो 3c का स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर 2 की गुणा करेंगे, हम किस में करेंगे गुणा, a और 2b में करेंगे, a गुणा 2b, फिर प्लस, अब 2 की गुणा हमें किस में करनी है, b, इस वाले में करनी है और इसमें करनी है, तो गुणा 2b गुणा 3c। अब हमें फिर से प्लस लगाना है, अब हमें 2ca वाला लिखना है, तो c मेरा ये है और a मेरा ये है, तो 2 गुणा 3c गुणा a। तो हमारा अब आंसर क्या निकल के आ जाएगा, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और b का स्क्वायर हमें लिखना ही पड़ेगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 × 9, सी का स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे अंकों की गुणा कर लेंगे, 2 × 4, और ये है हमारा ए और बी, यानी ए बी, प्लस 2 × 4, 4 × 3 = 12, 12 और फिर बी और सी, तो 12 लिख देंगे, ये बी और सी लिख देंगे, फिर ऐसे ही 2 × 3 = 6 लिखेंगे, सी और ए लिखेंगे। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो गया। अब हमें कुछ करना ही नहीं है, अब हम अगला देखेंगे जिसमें कि मेरे को माइनस वेरिएबल के साथ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 2p का स्क्वायर, पूरा स्क्वायर कर देंगे। अब हमें तो सर्व समीकरण में तो हमें प्लस दिया है ना, तो हम यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे, लेकिन माइनस क्यू को ब्रैकेट में करके स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर प्लस लिखेंगे, क्योंकि मेरा प्लस सी है, तो प्लस करके फिर माइनस 3r का पूरा स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे। अब हमें ये वाला काम करना है ना, ये वाला काम तो हम कर चुके, अब ये वाला काम करना है, तो कैसे करेंगे, 2 × 2p × -q, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, फिर प्लस, फिर 2 × -q, और ये क्या है, -3r है, तो × -3r, इसको ब्रैकेट कर देंगे, फिर प्लस। अब हमारा ये वेरिएबल लेना है और इसको लेना है, तो 2 × -3r गुणा 2p। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर, 2 × 2 = 4p का स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा q स्क्वायर, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 × 3 = 9 r स्क्वायर, प्लस नहीं बच्चों, यहाँ पे माइनस ही आएगा,
क्योंकि माइनस का क्यू है, तो दो दूनी चार और माइनस का पी क्यू, माइनस आंसर आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे माइनस क्यू है, माइनस तीन आर है, तो हम इस ये माइनस माइनस जब गुणा होगी तो फिर हमारा प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस लगा दिया। दो तिया छः और क्यू आर, यहाँ पे एक ही माइनस है तो अब हमें माइनस लेना होगा और गुणा करेंगे, दो तिया छः, छः दूनी बारह, बारह और क्या है आर और पी, यही मेरा आंसर है। इसी तरीके से इसको देखो, ये जो माइनस थ्री एक्स है इसको पूरा पूरा स्क्वायर कर दिया, इधर दो वाई को पूरा पूरा स्क्वायर कर दिया, यहाँ जेड का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस दो गुणा है ना। अब हमको क्या करना है, आगे वाले सवाल आगे वाला विस्तार करना है, तो दो गुणा ए और बी, ए मेरा क्या है माइनस थ्री एक्स, बी मेरा क्या है दो वाई, फिर प्लस करके दो गुणा अब की बार बी सी, तो बी मेरा क्या है दो वाई, सी मेरा क्या है जेड, तो ये गुणा कर दी, फिर प्लस दो गुणा करके अब हमें क्या करना है, सी और ए लेना है, सी वेरिएबल लेना है और ए वेरिएबल लेना है, तो सी मेरा क्या है जेड और ए मेरा क्या है माइनस का थ्री एक्स, माइनस का थ्री एक्स। अब हम इसको खोल देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तीन तिया नौ एक्स स्क्वायर, प्लस दो दूनी चार और वाई का स्क्वायर, प्लस जेड का स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे अकेला माइनस है तो हमारा माइनस आ जाएगा, तो दो तिया छः, छः दूनी बारह और एक्स और वाई, एक्स और वाई आ जाएगा। ऐसे ही इसको प्लस करेंगे तो दो दूनी चार, चार और वाई और जेड आ जाएगा, फिर ये वाला प्लस। लेकिन यहाँ पे हमें माइनस थ्री एक्स है तो माइनस में आंसर आएगा, यहाँ पे यहाँ का जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा, माइनस दो तिया छः और एक्स और जेड, एक्स और जेड, ये मेरा आंसर आ गया। इसी तरीके से आप इस सवाल को भी देखो, ये पूरा का पूरा दो एक्स माना कि मेरा ए है, माइनस थ्री वाई मेरा पूरा पूरा बी है और प्लस का चार मेरा पूरा पूरा सी है, तो हमने क्या किया दो एक्स का पूरा पूरा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस लगाया क्योंकि सर्वसमिका में हमेशा प्लस है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, और माइनस थ्री वाई को पूरा पूरा स्क्वायर कर दिया, चार का भी स्क्वायर कर दिया। अब प्लस लगा के हमें दो के साथ गुणा करनी है, दो गुणा ए और बी, तो दो एक्स गुणा माइनस थ्री वाई, फिर प्लस लगाएंगे अब की बार इसमें और इसमें गुणा करनी है, तो दो गुणा माइनस थ्री वाई गुणा चार, चार आ जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, इस बार दो की गुणा हमें सी और ए वेरिएबल में करनी है, तो सी मेरा चार है और ए मेरा दो एक्स है, तो दो गुणा चार गुणा दो एक्स। अब हम इसको खोल देंगे, दो दूनी चार एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस नौ बाई स्क्वायर, प्लस चार चौक सोलह। यहाँ पे गुणा करने में केवल एक माइनस है तो आंसर में मेरा माइनस आएगा, दो दूनी चार, चार तिया बारह और ये वाला एक्स, ये वाला बाई, तो एक्स वाई। फिर इसमें भी मेरा गुणा करने में एक ही माइनस है तो माइनस लगा दिया, तो दो तिया छः, छः चौक चौबीस, चौबीस और अकेला अकेला ये बाई ही है, एक्स तो नहीं है ना इस वाले में, इस वाले में बाई एक्स तो नहीं है ना, सिर्फ बाई है, तो केवल हमने बाई लिख दिया। अब इसको देखो, इसमें कोई भी माइनस नहीं है तो प्लस लगा दिया, दो चौक आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह एक्स, ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको देखो, ये भी बहुत आसान है, इसी के तरीके से हमें काम करना है, तो एम का स्क्वायर प्लस थ्री एन का पूरा पूरा स्क्वायर, फिर प्लस माइनस चार पी का पूरा पूरा स्क्वायर। अब हमें दो से गुणा करने वाला काम करना है, तो दो गुणा एम गुणा थ्री एन, ये हो गया। अब अगला वाला करना है, दो गुणा थ्री एन गुणा माइनस फोर पी,
है ना। फिर हमें करना है 2 × -4p और गुणा m, क्योंकि ये 2 के गुणा जब हम करते हैं तो 2 × ab, 2 × bc, 2 × ca, तो हमने इसी तरीके से किया है। अब इसको हम खोल देंगे, ये हो जाएगा m स्क्वायर, 3 × 9 n स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 16 p स्क्वायर, इसमें कुछ भी माइनस नहीं है तो प्लस लगाओ, 2 × 3 6 m और n। यहाँ पे एक माइनस है, जब भी कभी गुणा करने में एक माइनस होगा तो हमें निशान माइनस का लगाना पड़ेगा बच्चों। 2 × 6 6 × 24 24 p। अब यहाँ भी अकेला ही माइनस है, फिर से हमें माइनस लगाना पड़ेगा, 2 × 8 और p और m, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो, यहाँ भी हमने अपनी पहले सर्व समीका लिख दी जिससे कि हमारे साथ कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो सर्व समीका को हमेशा दिमाग में रखना है, तभी हम अपना काम करना इजी तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो बार बार हमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। तो हमेशा याद रखो, है ना। अब इसका ये माना कि ये मेरा ए वेरिएबल है, ये मेरा बी वेरिएबल है और ये मेरा पूरा पूरा सी वेरिएबल है ना। ये ए की जगह, ये बी की जगह, ये सी की जगह, तो 7 का स्क्वायर + 4a का स्क्वायर है ना, और -3b का स्क्वायर। लेकिन निशान हमें सारे प्लस प्लस वाले लगाने हैं, क्योंकि हमारे जो सर्व समीका का जो फॉर्मूला है उसमें प्लस ही है। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। अब हमें ये 2 की गुणा करने वाला काम करना है, तो 2 × a 7 है, 7 × 4a, फिर प्लस करेंगे 2 × 4a × -3b, फिर प्लस करके गुणा करेंगे 2 × 2 × -3b × 7, है ना। अब हम खोल देंगे, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 × 7 = 49, 4 × 16a स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9b स्क्वायर। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं है ना, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, तो 7 × 28, 28 × 2 = 56 है ना, या 4 × 2 = 8, 8 × 7 = 56, खाली a है तो a लगा दिया। अब इसमें हमारा केवल एक माइनस है तो हमें निशान माइनस कर लगाना पड़ेगा और बाकी की गुणा कर देते हैं, 2 × 8, 8 × 3 = 24, a मिल गया और b मिल गया, ab। यहाँ भी एक ही माइनस है तो फिर से हमें निशान माइनस का लगाना पड़ेगा और अंकों की गुणा कर देते हैं, 2 × 3 = 6 6 × 7 = 42 और b, यही आंसर है ना। आसान, कुछ करने को ही नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये पूरा c है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने सर्व समीका के अकॉर्डिंग इसे फिर से फैला देंगे। 2x का स्क्वायर कर दिया, ये -9 का पूरा स्क्वायर हो गया, ये 5y का पूरा स्क्वायर हो गया। आप प्लस के साथ में 2x की गुणा करेंगे और -9 की गुणा करेंगे, ऐसे ही 2 प्लस लगा के 2 की गुणा अब की बार -9 और 5y में होगी। इसके बाद फिर से प्लस लगा के 2 की गुणा किस में होगी, 2x में होगी और 5y में होगी। ठीक है, अब हम इसको खोल देंगे, बहुत आसान है, 2 × 2 = 4x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 × 81, फिर से ये प्लस है ना, 5 × 5 = 25y². अब यहाँ पे एक माइनस है ना, मैं बार बार बता रही हूँ आपको बच्चों, जब कभी भी माइनस एक बार हो तो हमेशा उसको माइनस के निशान के साथ लेकर आते हैं। तो अब हम गुणा कर देंगे, 2 × 2 = 4 4 × 36 और खाली x है और तो कुछ नहीं है ना, बाई तो नहीं है ना यहाँ पे, तो सिर्फ x लिखेंगे। फिर अब हम इसको देखेंगे, यहाँ भी अकेला माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 × 5 = 10 और 10 × 9 = 90 है, और यहाँ पे केवल वाई है, यहाँ एक्स तो नहीं है ना, तो केवल हम वाई लगाएंगे। ओके, अब हम इसको देखेंगे,
यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं है तो हमने अपना प्लस लगा दिया और अंकों की गुणा कर दी। दो दूनी चार, चार पंजे 20, और क्या क्या है, एक्स भी है वाई भी है, तो एक्स और वाई दोनों लिख दिया, है ना। यही मेरा आंसर हो गया। अब हम इसको देखते हैं, ये पूरा पूरा एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा पूरा वाई जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा पूरा जेड एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम दो की गुणा करने वाला काम करेंगे, दो गुणा ये वाला एक्स वाई गुणा वाई जेड, फिर प्लस लगाएंगे, दो गुणा ये वाला वाई जेड, ये वाला वाई जेड गुणा जेड एक्स, फिर प्लस लगाएंगे, दो गुणा ये वाला जेड एक्स और गुणा ये वाला एक्स वाई। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको भी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको भी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, दो तो लिख देंगे, एक्स मेरे पास एक ही है, वाई मेरे पास दो है और जेड भी अकेला है, तो हमारा ये आ गया आंसर। इसका आंसर हमारा ये आ गया। ऐसे ही हम इसको देखेंगे, दो अकेला है, बाकी एक एक्स है, वाई एक है, जेड हमारे पास दो आ गए। ये दो लिख दिया, यहाँ पे एक्स मेरे दो हैं, एक ये है एक ये है, तो एक्स स्क्वायर अकेला वाई है, वाई अकेला जेड है, तो जेड। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम इसको देखते हैं, है ना, काम हमें वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब इसको ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी बटे दो का पूरा पूरा स्क्वायर हो गया, ये सी बटे तीन का पूरा पूरा स्क्वायर हो गया। अब दो गुणा ये ए और ये मेरा क्या हो गया, बी बटे दो, फिर प्लस लगाएंगे, अब की बार दो गुणा बी बटे दो गुणा सी बटे तीन, ठीक है। फिर से अब दो गुणा सी बटे तीन गुणा ए, है ना, इसी तरीके से काम किया ना हमने अभी तक, तो इसी तरीके से हमें अब करना है। अब इसको हम खोल देते हैं, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बटे चार, दो दूनी चार, यहाँ भी सी स्क्वायर बटे तीन तिया नौ। यहाँ पे ये दो से ये दो कट जाएगा और क्या बचेगा, ए बी, यहाँ भी दो से ये दो कट जाएगा, बी सी बटे तीन आ जाएगा, बी सी बटे तीन, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, दो सी ए आ जाएगा बटे तीन। यही मेरा आंसर है। इसी तरीके से हम इसको करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी बटे तीन का पूरा पूरा स्क्वायर, दो सी बटे पाँच का पूरा पूरा स्क्वायर। अब हम दो से गुणा करने वाला काम करेंगे, तो दो गुणा ए, अंदर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, हमें सर्वसंख्या में तो प्लस ही दिया गया ना, तो हम बाहर प्लस नहीं लगा सकते, अंदर माइनस लगाना पड़ेगा, दो गुणा ए गुणा माइनस बी बटे तीन, इसकी गुणा करनी पड़ेगी। फिर से दो से जब हम गुणा करेंगे तो माइनस बी बटे तीन की गुणा गुणा दो सी बटे पाँच, अब की बार फिर से दो गुणा दो सी बटे पाँच गुणा ए, ठीक है। अब इसको हम खोल देंगे, तो ए स्क्वायर, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बटे नौ, तीन तिया नौ, अब ये दो दूनी चार, सी स्क्वायर बटे पाँच पंजे पच्चीस। फिर अच्छा, यहाँ पे एक माइनस है, तो यहाँ पे हमारा आंसर, ये निशान हमारा माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस, तो दो आया, ए बी आया और बटे बटे हमारा तीन आ गया। यहाँ भी एक माइनस है, फिर से हम माइनस ही लगाएंगे और गुणा कर देंगे, दो दूनी चार, बी और सी बटे तीन पंजे पंद्रह। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे तो कोई भी माइनस नहीं है ना, तो दो दूनी चार, सी
ए सी ए बटे 5, यही मेरा आंसर है। अब इसको देखो, ये है, इसको भी हमने ऐसे ही फैला दिया, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर, फिर से प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर से प्लस, अब हम 2 की गुणा करेंगे ए और माइनस बी बटे 2 में, फिर प्लस लगा के 2 की गुणा करेंगे माइनस बी बटे 2 और माइनस 6 में, फिर से 2 प्लस लगा के, प्लस लगा के 2 की गुणा करेंगे माइनस 6 में और ए में। अब खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बी स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 6 36। यहाँ पे एक माइनस है, पूरे में एक माइनस है, तो माइनस का निशान आया, 2 से 2 कट गया, बचा ए और बी, ठीक है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अब यहाँ पे हमें जब 2 माइनस मिल गए तो निशान हमारा प्लस का आएगा, ठीक है। और फिर क्या बचा हमारे पास, 6 और ये बी बचा, फिर यहाँ पे केवल एक माइनस है तो माइनस लगा दिया और 6 दूनी 12 और ए, यही मेरा आंसर है।